दोस्तों अक्सर आपने देखा हो जो चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्राइस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के कंपेयर में बहुत कम होता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लाइक सैमसंग, नोकिया, एप्पल, सोनी एटसेट्रा एंड चाइनीज प्रोडक्ट्स लाइक शाओमी, लीको, कूलपैड एटसेट्रा। यदि आप स्मार्टफोन परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको 3000 mAh बैटरी के साथ 5 MP का फ्रंट कैमरा, 13 MP का रियर कैमरा एंड 5 इंच का फुल HD डिस्प्ले आपको 9000 में मिल जाएगा, वो भी चाइनीज स्मार्टफोन के अंदर। यदि आप यहीं पर ब्रांडेड स्मार्टफोन परचेज करते हैं तो आपको सैमसंग, सोनी के स्मार्टफोन के लिए खर्च करने होंगे सेम स्पेसिफिकेशन वाले फोन के लिए सिर्फ 20,000 से 22,000 रुपए। दोस्तों ये डिफरेंस आपको चाइना के स्मार्टफोन में ही नहीं, चाइना के हर एक प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे चाइना के स्मार्टफोन के बारे में। चाइनीज जो स्मार्टफोन होते हैं इतने सस्ते क्यों होते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के कंपेयर में? क्या जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमसे ज्यादा पैसा लेते हैं या फिर हमें लूट रहे हैं? जो चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं हमें इतना सस्ता क्यों दे रहे हैं? इनका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आगे तक देखते रहिए इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवकेश, आप देख रहे हैं लवकेश तंवर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चाइनीज प्रोडक्ट्स खराब नहीं होते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो इतने सस्ते क्यों होते हैं? दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि उसकी लेबर, जो चाइना में लेबर होती है किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में बहुत कम पैसा लेती है। यदि हम बात करें इंडिया में लेबर की, तो इंडिया में जो लेबर होती है किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में बहुत ज्यादा पैसा लेती है चाइना लेबर के कंपेयर में। यदि किसी भी प्रोडक्ट को हम तैयार कर रहे हैं, यदि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है उसका जो प्राइस होने वाला है वो ज्यादा ही मिलेगा आपको। वहां पर चाइना में बहुत कम लेबर होती है, मतलब बहुत कम पैसा लेती है लेबर, जिसके कारण हमें चाइना के स्मार्टफोन सस्ते मिलते हैं। दोस्तों जो दूसरा रीजन निकल के आता है वो लेटेस्ट चीजों के लिए निकल के आता है, मतलब कि चाइना के स्मार्टफोन में कभी भी आपको लेटेस्ट चीजें देखने को नहीं मिलेंगे। लाइक सैमसंग के, एप्पल के जो स्मार्टफोन में नई नई चीजें देखने को मिल जाती है आपको, वहां पर आपको चाइना के स्मार्टफोन में सबसे पहले ये सभी लेटेस्ट चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं MI 5 सिर्फ 22,000 का है और सैमसंग S7 लगभग 43,000 का, लेकिन इनकी स्पेसिफिकेशन देखने में कुछ हद तक एक जैसी ही है और कुछ S7 से ज्यादा भी है। लेकिन MI 5 में हर चीज आपको लेटेस्ट नहीं मिलती, प्रोसेसर और रैम या कैमरा की स्पेसिफिकेशन में काफी अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन सैमसंग में आपको लेटेस्ट चीजें भी मिलेंगी। लाइक आपकी इसकी स्क्रीन है 2K स्क्रीन मिलेगी, वहां पर आपको फुल HD स्क्रीन ही मिलने वाली है। दोस्तों एक छोटा सा कंपेयर था, यदि आप और भी कंपेयर देखना चाहते हैं तो आप खुद से कंपेयर करके देख सकते हैं जो चाइनीज स्मार्टफोन होते हैं और जो ब्रांडेड स्मार्टफोन होते हैं उनके अंदर क्या क्या देखने को मिल जाएगा आपको। अब थर्ड रीजन जो आ रहा है वो है ऑनलाइन सेल को लेकर आ रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा जो चाइनीज स्मार्टफोन है वो हमेशा ऑनलाइन ही सेल किए जाते हैं। जो बड़ी बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो हमेशा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों पर ध्यान देती हैं। आपने देखा हो जो एप्पल के, सैमसंग के, सोनी के स्मार्टफोन आपको ऑफलाइन स्टोर पर भी अवेलेबल किए जाते हैं, जहां से आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर निकल गया था जो ऑफलाइन में जो स्मार्टफोन सेल किए जा रहे हैं वहां पर उनका रेंट भी देना पड़ता है, स्टाफ की सैलरी भी देनी पड़ती है, डेकोरेशन भी देखनी पड़ती है और भी बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पर ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसके कारण उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। दोस्तों जो फोर्थ अपडेट आ रहा है वो मार्केटिंग को लेकर के आ रहा है, मतलब कि आपने देखा होगा जो भी Xiaomi, OnePlus, लीको और जितने भी चाइनीज ब्रांड हैं ये सभी ऑनलाइन सेलिंग पर ज्यादा ध्यान देती है, इतनी ज्यादा मार्केटिंग नहीं करती, इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। इनकी जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन पे बहुत ज्यादा फॉलोवर्स होते हैं, ये ऑनलाइन सेलिंग पर ध्यान देती हैं, ऑनलाइन जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती है ऑनलाइन ही करती हैं। तो जो भी अपडेट होता है ये ऑनलाइन अपना अपडेट दे देती है, जिनके कारण उनके फॉलोवर्स को पता लग जाता है। अगर बात करें सैमसंग, सोनी, एप्पल जैसी कंपनी की, तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पर ध्यान देती है और जो इनकी एडवर्टाइजमेंट होती है ये अपने टीवी, न्यूज़पेपर के द्वारा करती है, जिसके कारण उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। यहाँ पर जो चाइनीज स्मार्टफोन की कॉस्ट है बहुत कम आएगी, क्योंकि ये ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन ही करती है। और दोस्तों जो फिफ्थ अपडेट निकल के आ रहा है वो लिमिटेड क्वांटिटीज को लेकर के। आपने अक्सर देखा होगा जो Xiaomi के प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो लीको के या कूलपैड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स, उनकी जो क्वांटिटी लिमिटेड होती है। जब भी कोई स्मार्टफोन नया बनता है तो उनकी सेल सिर्फ थोड़ी सी देर में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है कोई भी स्मार्टफोन। तो यहाँ पर आपको सैमसंग, एप्पल और ऐसी ऐसी बड़ी कंपनीज के साथ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी जो सर्विसेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के साथ साथ जो उनकी सर्विसेज होती हैं
बहुत ज्यादा यूनिट्स बनाई जाती हैं जिनके कारण हम आसानी से उनके स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो क्वांटिटी बहुत कम होती है, उनके स्टॉक में रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो इतनी ही यूनिट्स बनाते हैं जो हैंड टू हैंड सेल हो जाए और उनको स्टॉक में ना रखनी पड़े, जिनके कारण उनकी जो कॉस्ट है वो अपने आप कम हो जाती है। दोस्तों जो नेक्स्ट रीजन आता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज हैं लाइक गूगल, नोकिया, सैमसंग, ये जितनी भी स्मार्टफोन कंपनीज हैं ये अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, बहुत ज्यादा काम करती हैं, और जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती। उनमें आपको कुछ अलग से देखने को नहीं मिलेगा, कुछ वही पुराना सिस्टम देखने को मिलेगा, वही प्रोसेसर, वही रैम, यहाँ पर आपको नई नई लेटेस्ट चीजें देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ ना कुछ नया लेकर आती रहती हैं जिनके कारण इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। और जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है वही नॉर्मल स्पेसिफिकेशन के साथ अपने स्मार्टफोन को बनाती हैं, वो सिर्फ यूजर्स को देखती हैं, यूजर्स को क्या चाहिए वही पुराना सिस्टम देती रहती है, लेटेस्ट चीजें नहीं देती हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा चाइनीज स्मार्टफोन में आपको जल्दी से लेटेस्ट चीजें देखने को नहीं मिलेंगी सबसे पहले, तो इसी के कारण इसकी जो प्राइस है वो बहुत कम हो जाती है। दोस्तों जो नेक्स्ट रीजन है वो मिनिमम प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज स्मार्टफोन जो कंपनीज हैं वो अपने स्मार्टफोन पर सिर्फ बहुत कम प्रॉफिट लेती हैं, बिकॉज क्योंकि ना तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती है, ना फिर वो ऑफलाइन काम करती है, मतलब ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, और भी बहुत सारी उनकी लोग की लेबर कॉस्ट बहुत कम होती है, तो जो उनका प्राइस होता है वो यूजर्स को देखते हुए बनाया जाता है। चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज उनको देखना पड़ता है कि यूजर्स हमारे स्मार्टफोन को क्यों परचेज करें, उनके अंदर ऐसा क्या देखने को मिल जाएगा जो यूजर्स उसे अट्रैक्ट हो सके। अगर बात करूं बड़ी कंपनीज की तो बड़ी कंपनीज सभी जगह पर पैसा लगाती है, उनकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण उनको स्मार्टफोन की जो कीमत है वो ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टाइजमेंट और भी बहुत सारी कॉस्ट को ऐड किया जाता है वहां पर। और जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज वो मिनिमम प्रॉफिट पर ज्यादा स्मार्टफोन सेल करती है जिनके कारण उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यदि आप एक दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं और उस प्रोडक्ट का प्राइस होता है 150 रुपए और उसी प्रोडक्ट का प्राइस किसी दूसरी दुकान पर आपको मिल जाएगा 120 रुपए, तो आप कौन सी दुकान से परचेज करेंगे? सिंपल सी बात, आपको 120 वाला जो प्रोडक्ट होगा वही लेना पसंद करेंगे, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है और कम कीमत पर मिल रहा है। तो ऐसे ही जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज हैं ऐसे ही काम करती हैं, जो कि बेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं और उनका प्राइस बहुत कम कर देती हैं, बहुत मिनिमम प्रॉफिट के साथ। दोस्तों अगर मैं शाओमी की बात करूं तो शाओमी के स्मार्टफोन जो प्रोसेसर होता है उनके लिए उनको ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका जो क्वालकॉम के साथ एक पार्टनरशिप है जिनके कारण उनका जो प्रोसेसर है बहुत लो कॉस्ट में उनको अवेलेबल करा दिया जाता है, जिनके कारण जो कीमत होती है बहुत कम मिलती है हमें। अब दोस्तों बहुत सारे यूजर्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल भी आते हैं, जो चाइनीज स्मार्टफोन होते हैं या फिर जो चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो क्वालिटी दी जाती है बहुत लो दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सही है, बिकॉज जो चाइनीज स्मार्टफोन होते हैं उनके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका प्राइस कम होता है, और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं इनका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन वो अपने यूजर्स को अच्छा काम देते हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं, जिसके कारण यूजर्स को आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं बिल्कुल ही खराब होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जो चाइनीज स्मार्टफोन है उनके अंदर आपको कुछ लेयर्स देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो भी मिलता है बेस्ट मिलता है। उनके कैमरास की बात कर ली जाए या फिर उनके प्रोसेसर की बात करी जाए या फिर उनकी क्वालिटी की बात की जाए तो बेस्ट मिलती है, लेकिन जो ब्रांडेड कंपनीज हैं उनके कंपेयर में अच्छी नहीं मिलती, लेकिन वैसे अच्छी देखने को मिल जाती जैसी हमें चाहिए है। दोस्तों ये सभी बातें सिर्फ स्मार्टफोन कंपनीज पर ही नहीं, चाइना के हर एक प्रोडक्ट पर लागू होती हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चाइनीज स्मार्टफोन नहीं परचेज करने चाहिए, चाइनीज प्रोडक्ट नहीं परचेज करने चाहिए, यदि आप स्टैंडर्ड यदि बेस्ट क्वालिटी के साथ इससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ परचेज करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो आप जो ब्रांडेड कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। यदि आपको ये क्वालिटी अच्छी लगती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट देती है चाइनीज कंपनी भी और अच्छे बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ अवेलेबल कराती है मार्केट के अंदर, जिसके लिए हमें ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते हैं और हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है सस्ते में। तो ये था आज के टॉपिक के बारे में, चाइना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इतने सस्ते क्यों होते हैं। यदि आपके उनमें इस रिलेटेड कोई सवाल है सुझाव तो कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हर कोई जान सके चाइना के प्रोडक्ट्स सस्ते क्यों होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।